तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो गैस आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गैस आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कारखाने के अंदर जो जैकेट है वो कैसे तैयार की जाती है, और हमारा जो जैकेट का काम था वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो सब कुछ मैं आज की इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि जैकेट को कैसे तैयार किया जाता है, और जैकेट का जो कारखाना होता है वो किस प्रकार से होता है, वहाँ पे जैकेट की सिलाई कैसे की जाती है। सब कुछ इस ब्लॉग में आपको जैकेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी गाइस आप सोचते हो कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर तो कोई कारखाना नहीं है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कारखाने में। और तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे रोड पे, और यहाँ पे मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ। ऑटो मिलता है फिर मैं यहाँ से बैठूँगा, और बैठने के बाद में फिर मैं जाऊँगा अपने कारखाने, फिर वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए अभी मैं ऑटो का वेट करता हूँ, ऑटो आता है फिर उस पर बैठता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ, और यहाँ से अब बैठूँगा कारखाने पर उतरूँगा, फिर वहाँ का आगे का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने कारखाने के अंदर। ये मेरे कारखाने का एंट्री गेट है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से कारखाने के अंदर जब जाएंगे तो ऐसा कुछ रास्ता पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा, और अंदर है बहुत ज़्यादा कारखाना, और यहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद में यहाँ पर पड़ेगा अभी पैक इन रूम, जहाँ जैकेट पैक होती है। तो अभी आपको दिखाऊँगा अगर खुला होगा तो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है पैक इन रूम, और यहाँ पर ये जैकेट की पैकिंग हो रही है, और यहाँ पर ये भाई हमारे पैकिंग कर रहे हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, चल रही है पैकिंग जैकेट की? हाँ जी चल रही है। फुल मज़े में हो भाई? खूब मज़े में। और सुनाओ? बढ़िया भाई। ये सारा फीस ढेर लगा हुआ, सारा बच्चे का है और भी है? भाई बच्चे का भी है, बड़ा का भी है। तो अभी तो फिलहाल बच्चा चल रहा है, और बड़े बड़ा भी है यहाँ पे। और बताओ अकेले पैक कर रहे हो और नहीं है? भाई अकेला पैक करता हूँ मैं। बताओ इतनी सारी मशीनें चल रही हैं, अकेला ये बंदा पैकिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है यार ये। चलो और भी दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू, वहाँ पे जैकेट कैसे बनती है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर होती है जैकेट की सिलाई, और यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी मशीन जो है वो अभी सभी मशीन खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी जो हैं कारीगर लोग हैं वो अभी खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद में वो आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैकेट का सभी कपड़ा जो है यहाँ पर बना हुआ पड़ा हुआ है, कुछ उस जैकेट के जो हिस्से हैं वो बना रहे हैं, और कुछ बनने को रह गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है जैकेट ऐसे सिलाई की जाती है, कुछ इस हिसाब से जो होते हैं जैकेट की जो मशीन है वो इस तरीके से सेट होती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जो है, दिखा सकता हूँ ये जैकेट का सामने का हिस्सा है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पॉकेट बनाकर तैयार कर दी गई है, और ये सामने का हिस्सा। अभी इसमें और भी मतलब जो है खर्चा जो है जुड़ने को रह गया है, उसके बाद में ये सामना तैयार होगा, फिर पूरे जैकेट को तैयार करते हैं। तो अभी कारीगर लोग यहाँ पर आए हुए नहीं हैं, अभी आएंगे वो खाना खाने के बाद में, फिर मैं आपसे उन कारीगरों से भी मिलवाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है जैकेट तैयार की जाती है, और ये जो है जैकेट का अस्तर है, ये जैकेट के अंदर ये अस्तर पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये, और ये लमदा है, ये लमदा को जो है जैकेट के अंदर डाला जाता है, इसको लमदा बोलते हैं, और इसको जो है फर बोलते हैं ये। और ये लमदा जो है यही जो है जैकेट के अंदर जो है गर्माहट पैदा करता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। तो देख सकते हैं जैकेट में जो है ये मशीनें, इन मशीनों से जो है जैकेट बनती है, काली मशीन है ये, और बन तो झुग्गी मशीन से भी जाती है जैकेट, फिलहाल ये ज़्यादा चलती है। और ये देख सकते हैं ये पूरा फीस जो है बनकर रेडी हो चुका है, अभी इसमें जो है बेल्ट चढ़ने को रह गई है, बेल्ट चढ़ने को रह गई है,
और इसमें कॉलर चढ़ने को रहेगी और चैन लगाने को रहेगी ये। उसके बाद में इसमें ये अस्तर लगेगा और इसकी भराई होके ये फिश रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं जब ये फिश बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा फिश बनकर तैयार होता है। तो गाइस यहाँ पे सभी कारीगर लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं और सभी लोगों ने जो अपना अपना काम जो है जैकेट का वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम भाई साहब से पूछते हैं ये क्या चीज़ लगा रहे हैं। तो और भाई कैसे हो? बढ़िया। तो ये क्या लगा रहे हो? ये समोसा। इस भाग को समोसा बोलते हैं यार। और ये यहाँ पर ये जैकेट के सामने में ये लगता है, ये देख सकते हैं। अभी भाई लगाएंगे ये लगाकर, लाइक लगाकर दिखाओ जरा जी। अभी रुको। तो ये भाई साहब जो लगा रहे हैं समोसे, देख सकते हैं ये। ये देखो भाई साहब ने लगा दी। एक बार अपना चेहरा दिखा दो, हाय कर दो। ये देखो भाई साहब ने ये लगा दिया। इसको समोसा बोलते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि समोसे को खाया जाता है, समोसे को खाया नहीं जाता, ये जैकेट में भी लगाया जाता है, इसको समोसा बोलते हैं। देख सकते हैं ये सामने का फ्रंट जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये बड़ा साइज है ना भाई साहब? हाँ, ये 3XL है। 3XL ये साइज है। तो ये फुल साइज है। और इधर देखते हैं। और भाई साहब कैसे हो? चंगे जी। क्या कर रहे हो? कॉलर बना रहे हैं। तो ये भाई साहब देखो कॉलर बना रहे हैं, कॉलर पे सिलाई मार रहे हैं और मजे आ रहे हैं खूब। और भाई साहब ये देखो बना रहे हैं, ये पॉकेट बना रहे हैं ना अस्तर में। हाँ। तो ये भाई साहब पॉकेट बना रहे हैं अस्तर में। तो आप देख सकते हैं अभी ये किस प्रकार से ये पॉकेट बनाते हैं। तो देखो ये देख सकते हैं ये अस्तर में भाई साहब ने पॉकेट बना दी है। ये जैकेट के अंदर जो अस्तर होता है पड़ा हुआ उसकी पॉकेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। देख ली। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो जैकेट की सिलाई होती है कारखाने के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग हैं वो जैकेट की सिलाई करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये मशीनें खाली हुए हैं, ये अभी कुछ काम से गए हुए हैं तो वो भी आते होंगे। तो यहाँ पर ये काम चल रहा है जैकेट का। तो भाई साहब कितने बजे बैठते हो सुबह तुम? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे बैठते हो जी। काम करने के लिए हैं जी। और खाना कितने टाइम खाते हो? 1 बजे। खाना 1 बजे खाते हो दोपहर में जी। और फिर कितने टाइम तक करते हो काम? 1 बजे से करते हैं 8 बजे तक। 1 बजे से शाम 8 बजे तक। फिर 8 बजे के बाद में फिर करते हैं 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक है। तो गाइस इस सुबह 9 बजे बैठते हैं तो फिर 1 बजे उठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में 8 बजे शाम फिर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में फिर रात के 9 बजे बैठते हैं, फिर 9 बजे के बाद में 1 बजे रात के उठते हैं। बताओ इतना काम करते हैं जैकेट के कारीगर, पूरी रात काम करना पड़ता है जैकेट का। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो जैकेट तैयार की जाती है। देखो किस प्रकार से ये पड़े हुए हैं खर्चे जैकेट के इतने सारे। ये